एक कमेटी बनाई और उस कमेटी ने जो सुझाव दिए उन सुझावों के अनुसार हमने कई आगे आगामी एक कार्य योजना बनाई है। उसमें हमने जून में हमारा प्रयास रहेगा कि हम जून में स्थितियां ठीक रहती है तो हम परीक्षाएं आयोजित करवा सकें और उसके अलावा भी क्रमबद्ध रूप से फिर हम आगामी चरणों में पूरा सोशल डिस्टेंसिंग का परीक्षाओं की आप बात कर रहे हैं, इसको आप ऑनलाइन करवाएंगे या फिर जिस तरह से स्कूली छात्रों को आगे की कक्षाओं में प्रमोट किया वैसा ही कोई फॉर्मूला शिक्षा में आप लागू करेंगे या क्या रहेगा प्लान? प्रमोट करने का हमने अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है और आगे की जो परिस्थितियां रहेगी, विशेषकर अभी दो तीन पिछले कई दिनों से ऑनलाइन एग्जाम्स की बात भी चल रही है, तो हमने सम्माननीय कुलपति गण को हमने एक पत्र लिखा है कि ऑनलाइन परीक्षाएं हो पाए क्या करवाए, तो उस संबंध में जैसे ही हमारा 3-4 दिन बाद हमारे पास जैसे ही रिपोर्ट आएगी तो उसके आधार पर हम निर्णय भी कराएंगे। भौगोलिक दृष्टि से काफी विस्तृत प्रदेश है, यहाँ गाँव के विद्यार्थी भी पढ़ते हैं, उन तमाम चीजों का अध्ययन करने के बाद ये सवाल मैंने इसलिए भी पूछा कि जैसे आपने खुद माना ऑनलाइन को लेकर जिस तरह से राज्य की स्थितियां हैं वो कई जगहों के लिए मुफीद नहीं हो सकती। दूसरा ये कि मान लीजिए नए शैक्षणिक सत्र में देरी होती है तो फिर क्या किया जाएगा, क्या सुझाव मिल रहे हैं? देखिए, हमारा जो शैक्षणिक सत्र है वैसे पिछला जो सत्र है 2019-20 का वो पूरा हो चुका है, विद्यार्थी एग्जाम्स दे रहे थे, आधे से ज्यादा एग्जाम हो भी गए थे। तो सबसे पहले तो हमारा मेन जो टारगेट लक्ष्य हमारा रहेगा कि हम विद्यार्थियों के शेष रही हुई परीक्षाओं का आयोजन किस प्रकार से करें और उनका आयोजन करवाने के पश्चात शीघ्र मूल्यांकन करवा सकें। ठीक है। और हमारे लिए एक सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जो ये है कि अगला हमारा जो 2021 का शैक्षणिक सत्र है आगामी, उसको भी जैसे हम जुलाई में शुरू करते हैं, 1 जुलाई से शुरू करते हैं, तो उसको हम ज्यादा डिले नहीं हो और उस शैक्षणिक सत्र को भी हम समय पर शुरू कर सकें, उसके लिए हमने एक कार्य योजना